हाय स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर प्रभात और मैं आ रहा हूँ बायोलॉजी की सीरीज ऑफ लेक्चर्स लेके सिर्फ आपके। सो नाउ वी आर लर्निंग अबाउट ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। उसमें राइट शिफ्ट क्या होता है, लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है, बार बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं और क्वेश्चन गलत करते आते हैं, लेकिन बहुत सिंपल तरीका है, वो हम देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी विल ड्रॉ द नॉर्मल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व। लास्ट लेक्चर में हमने देखा हुआ है ये वो कर्व है। ठीक है, इसी को हम ड्रॉ करेंगे और फिर इसमें हम लेफ्ट और राइट शिफ्ट को देखेंगे। चलिए, सो दिस इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है जी, है ना, ये कर्व हमने बना लिया। ये लीजिए, हमने ये कर्व बना लिया। ठीक है, पहली चीज जो हमें समझना है, व्हाट इज राइट शिफ्ट एंड व्हाट इज लेफ्ट शिफ्ट। मैं बच्चों को बोलता हूँ, आप ये सोचो कि आप इस ग्राफ के ऊपर बैठे हो। सपोज आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, यहाँ आप बैठे हुए हो। ठीक ना, हो यहाँ बैठ के, अब बच्चे बोलते हैं सर फेस इधर करना है या इधर करना है। मैं बोलता हूँ हमेशा ओपन माइंडेड रहो, यानी फेस इस साइड करना। ठीक है, अब आप वहाँ बैठ के साइड फेस कर लिया। नाउ योर लेफ्ट हैंड, यानी दिस साइड, मैं दूसरा कलर ले रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। दिस साइड ऑफ द शिफ्टिंग विल बी व्हाट, दिस विल बी लेफ्ट शिफ्ट, क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड है ये, और दिस विल बी योर राइट हैंड। सो इसके लिए भी हम दूसरा कलर यूज कर लें। मान लीजिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, सो दिस विल बी योर राइट शिफ्ट। ठीक है, सो नॉर्मल कर्व पे आप बैठ जाओ और सोचो आपका लेफ्ट हैंड किधर है और राइट हैंड किधर है। यदि आप लेफ्ट हैंड साइड के साइड में कोई कर्व ड्रॉ करते हो तो ये होगा लेफ्ट शिफ्ट, राइट हैंड के साइड में ड्रॉ करते हो ये होगा राइट शिफ्ट। ध्यान से सुनना, राइट शिफ्ट कर्व, दिस राइट शिफ्टिंग इज ऑल्सो नोन एज, राइट शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज बोर इफेक्ट। मैं लिख रहा हूँ अलग से, राइट शिफ्ट। अब स्पेलिंग देखिए राइट का, राइट की स्पेलिंग में आर आ रहा है और बोर के स्पेलिंग में भी आर आ रहा है। तो याद रखने का पहला तरीका, बोथ हैव आर, है ना। सो राइट शिफ्ट, मैं इस साइड लिख रहा हूँ लेफ्ट शिफ्ट इज ऑल्सो नोन एज हाल्डेंस इफेक्ट। अब ध्यान से देखो, हाल्डेन में एल आ रहा है और लेफ्ट में भी एल आ रहा है। सो आसानी से याद कर लेंगे हम बोर इफेक्ट एंड हाल्डेन इफेक्ट क्या है। अभी ध्यान से सुनो, किस कंडीशन में राइट शिफ्ट होगा और किस कंडीशन में लेफ्ट शिफ्ट होगा। पहले हम निमोनिक से याद कर लेते हैं, फिर हम लॉजिकली उसे समझ लेंगे। निमोनिक क्या है, ये देखो, बी आ गया आपका, यानी जब सी आए, जब डी आए, जब ई आए, ये जब भी आएंगे ये लोग, जब भी इंक्रीज होंगे तो राइट शिफ्ट होगा और जब ये डिक्रीज होंगे तो लेफ्ट शिफ्ट होगा, है ना। सिंपल से निमोनिक, राइट में आर, बोर में आर, बी सी डी ई। नाउ व्हाट इज सी, सी इज कार्बन डाइऑक्साइड। मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आपको ये निमोनिक से रिलेशन बन पाए। सो सी इज सी ओ टू, यानी जब सी ओ टू ज़्यादा हो, जब सी ओ टू ज़्यादा होगा तो एच प्लस के का क्या होगा बताओ, एच प्लस विल ऑल्सो इंक्रीज, पता है ना, क्योंकि सी ओ टू विल कम्बाइन विद एच टू सी ओ थ्री विद एच टू एंड विल फॉर्म एच टू सी ओ थ्री which will further break down H plus and HCO3 minus, so H plus will increase। अच्छा जी, जब H plus बढ़ गया, यानी जब CO2 ज़्यादा हो गया तो pH का क्या होगा बताओ, pH will decrease, acidic pH। so all these condition will lead to what, bore effect and right shift। now what is D, what is D, D is 2,3-DPG और DPG की जगह हम इसको BPG भी बोल सकते हैं ना। what is the full form देखो, this is डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब ध्यान से सुनिए, डाई की जगह पे हम बाई भी तो लिख सकते हैं ना, इसलिए हम डाई फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या बीपीजी दोनों बोल सकते हैं, बी भी यूज कर सकते हैं या डी। तो जब ये ज़्यादा हो तो भी राइट से, है ना। एंड नाउ ई हैज बीन लेफ्ट हमारे निमोनिक में, व्हाट इज ई, इज एनर्जी। एनर्जी ज़्यादा होने से टेम्परेचर क्या होता है बताओ, टेम्परेचर विल इंक्रीज। सो जब भी ये सब होगा क्या होगा, राइट से। ठीक है जी, आसान सा क्वेश्चन, यदि कोई भी क्वेश्चन आता है देखो इनमें से क्या है, यदि बर्ड है तो राइट से, और इनमें से कुछ भी ऑप्शन में है, और यदि ये लोग डिक्रीज हो रहे हैं तो लेफ्ट से। याद करने के लिए सबसे सिंपल सा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अब हम इसको लॉजिकली अप्लाई करने जा रहे हैं। आपने ये कब देखा है, ये आपने मुझे बताया था राइट शिफ्ट है, और आपने बोला था कि राइट के लिए हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, तो हम ब्लू कलर यूज कर रहे हैं, ये राइट शिफ्ट है। ठीक है जी, अब राइट शिफ्ट कब हो रहा है, इन कंडीशंस में आपने बोल दिया। अब राइट शिफ्ट का मतलब क्या है वो हम समझते हैं। पिछले लेक्चर में आपने बताया था पी 50 वैल्यू हमें बताएगा कि 26 mmHg पर नॉर्मली
50% ऑफ ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन जो सेचुरेशन होता है वो हो चुका होता है. दिस इज द नॉर्मल ग्राफ. देखिए मैंने ग्रीन कलर पे डाला है ना, यानी दिस इज द नॉर्मल. नाउ राइट शिफ्ट देखो, राइट शिफ्ट यदि 50% पे राइट शिफ्ट करना है, मैं दूसरा कलर यूज कर रहा हूँ, मान लो यहाँ ब्लैक ले रहे हैं हम लोग, ये देखो दिस इज द राइट शिफ्ट. और देखो राइट शिफ्ट में देखो P50 यानी 50% सेचुरेशन के लिए आपको 26 से ज़्यादा लेना पड़ेगा ना ऑक्सीजन. ऑक्सीजन दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, यानी P50 की वैल्यू बढ़ेगी. यानी राइट शिफ्ट का मतलब क्या होता है, राइट शिफ्ट का मतलब P50 की वैल्यू बढ़ गई. यदि P50 की वैल्यू बढ़ रही है का क्या मतलब है, हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का एफिनिटी ज़्यादा हो रहा है या कम हो रहा है, बताओ कम हो रहा है. तभी तो 50% सेचुरेशन के लिए पहले 26 देना पड़ रहा था, अब ये कितना देना पड़ रहा है, अब मान लो 35 देना पड़ रहा है, 35 mmHg देना पड़ रहा है, यानी उतनी सेचुरेशन के लिए ज़्यादा ऑक्सीजन यानी एफिनिटी कम हो गई. एंड सेम इज ट्रू फॉर रेड कलर यानी लेफ्ट शिफ्ट. सोचो अब 50% सेचुरेशन कितने पे हो जा रहा है, ये देखिए 20 से कम में ही हो जा रहा है. कितना, मान लो ये 15 है, यानी अब 15 पे ही हो जा रहा है. यानी लेफ्ट शिफ्ट का मतलब क्या है, लेफ्ट शिफ्ट का मतलब होता है वॉट, P50 वैल्यू विल डिक्रीज. P50 वैल्यू कम होने का मतलब क्या हुआ, हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगा या घटेगा, बताइए एफिनिटी बढ़ेगा या घटेगा, एफिनिटी बढ़ेगा. ठीक है, सो एफिनिटी विल एकदम आसान सा तरीका. लेफ्ट शिफ्ट मतलब क्या, राइट शिफ्ट मतलब क्या, और किन कंडीशंस में होगा. अब एक क्वेश्चन और बताओ, राइट शिफ्ट कहाँ होगा, टिश्यू के लेवल पे या एल्वोलाई के लेवल पे, सोचिए. राइट शिफ्ट का मतलब क्या हो रहा है, राइट शिफ्ट का मतलब हो रहा है कि आपको देखो यहाँ पे आपने बोला है CO2 का ज़्यादा होना इज राइट शिफ्ट, CO2 का ज़्यादा होना इज राइट शिफ्ट. तो CO2 ज़्यादा कहाँ होगा, टिश्यू के लेवल पे या एल्वोलाई के लेवल पे, टिश्यू के लेवल पे. सो इट विल बी सीन एट द लेवल ऑफ टिश्यू. ठीक है जी. और आपने बोला था CO2 कम होगा, इसका उल्टा तो क्या होगा, हाल्डेंस लेफ्ट शिफ्ट. कहाँ CO2 कम होगा, टिश्यू या एल्वोलाई, एल्वोलाई. सो लेफ्ट शिफ्ट विल बी सीन एट विच लेवल, एल्यूलर लेवल. इससे बाहर आपके क्वेश्चंस नहीं आएंगे, इतने ही से क्वेश्चन आने हैं. पहले आप सिंपल सा निमोनिक याद कर लो, BCDE, और फिर थोड़ा सा लॉजिक समझ लो, व्हाट इज राइट लेफ्ट. इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आना. एक दो बातें और सुन लो जो कंफ्यूज होते हैं बच्चे. CO2 के CO के प्रेजेंस में क्या होगा, इन प्रेजेंस ऑफ CO मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट विल हैपन टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन एसोसिएशन का. बच्चों को ऐसा लगता है कि राइट शिफ्ट हो जाएगा, नहीं लेफ्ट शिफ्ट. भाई सुनो, दिस विल हैपन इफ CO इज प्रेजेंट. भाई बिकॉज CO decreases delivery of already bind oxygen to hemoglobin. जो ऑलरेडी बाइंड है ना उसकी डिलीवरी डिक्रीज कर देता है, यानी एक तरीके से ऑलरेडी बाइंड की एफिनिटी बढ़ा देता है. इससे लेफ्ट शिफ्ट याद रखना, लेफ्ट टू लेफ्ट शिफ्ट. एक और क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन टू ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व फॉर फीटल हीमोग्लोबिन. हमने लास्ट लेक्चर में देखा है व्हाट इज फीटल हीमोग्लोबिन, दिस इज 2 alpha and 2 delta, 2 delta. And it has more affinity for oxygen. ठीक है, in compare to whom? In compare to adult hemoglobin. Why so? सोचिए, logic लगाइए. Why so? देखो mother hemoglobin से ही तो oxygen इसे snatch करना है, छीनना है, का मतलब है इसकी affinity adult hemoglobin से ज़्यादा होना चाहिए. यदि affinity बराबर होता तो छीन पाता क्या, नहीं. कम होता तो छीन पाता क्या, नहीं. यानी यदि उसे ऑक्सीजन स्नैच करना है, इसका मतलब इसकी एफिनिटी ज़्यादा होनी चाहिए. यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि इसके लिए यदि हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कब बनाएं तो कैसा होगा, राइट या लेफ्ट, बताओ. सेम एज ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी दिस कर्व विल बी ऑल्सो ट्रू फॉर फीटल हीमोग्लोबिन, फीटल हीमोग्लोबिन. सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा. गो टू द चैनल, सब्सक्राइब इट, लाइक करें, शेयर करें. ऑल द बेस्ट. Thank you. Thanks.